वेलकम टू जनेश्वर मिश्र पार्क। मेरे सामने ये देखिए जनेश्वर मिश्र पार्क है, ये लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क है। आइए आपको इसके अंदर लेकर के चलते हैं और उसके बाद में आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें हैं। तो चलिए मेरे साथ। फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए ये गेट नंबर 1 है और इसके ठीक वहीं बगल में टिकट मिलता है, 10 रुपये का टिकट है। और फिर यहीं से आप चल करके देख सकते हैं कई तरह की चीज़ें। ये देखिए इतना जो चौड़ा सा पाथ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। एंट्री गेट इतना शानदार है तो जाहिर है कि आगे का रास्ता भी बहुत ही शानदार होगा। ये लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क है। थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें जनेश्वर मिश्र पार्क के बारे में कि ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया गया था, ये अखिलेश यादव के टेन्योर में बनाया गया था। 6 अगस्त 2012 को इसकी बुनियाद रखी गई थी और अल्टीमेटली 2014 में इसको क्रिएट किया गया। और अगर इसके पूरे एरिया की बात करें तो 1.52 यानी करीब करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा पार्क फैला हुआ है। इसकी जो लागत आई है वो 168 करोड़ रुपए की कॉस्ट से ये पूरा पार्क बना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है और बहुत ही शानदार इको फ्रेंडली पार्क है। इस तौर पर कि यहाँ हर तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत ही ग्रीनरी है। मुलायम सिंह यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो चाहते थे कि अखिलेश यादव एक ऐसा पार्क बनाए जो डेडिकेट करें जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर। अल्टीमेटली उन्होंने इस पार्क को बनाया और बनाने के बाद में जनेश्वर मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर थे, उनके नाम से इसको डेडिकेट कर दिया। बहुत ही विशाल काय प्रतिमा लगी हुई है जनेश्वर मिश्रा जी की। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा के माध्यम से उनके पैगाम को संजो करके रखने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, जनेश्वर मिश्र पार्क हमने सोचा कि हम लोग खुद ही देखें और आपको भी दिखाएं, क्योंकि एक ओकेजन था, हमारी शादी की सालगिरह थी। 22 जुलाई 2016 को हमारी शादी हुई और 2023 यानी 7 साल हो गए। इस दौरान हमारे दो दो प्रोडक्ट भी हैं, तो इन लोगों की ख्वाहिश थी कि चलिए अबू कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि लाओ जनेश्वर चलते हैं और इसके साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि जनेश्वर के बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि जनेश्वर बहुत ही खूबसूरत है। फोटोग्राफी करने वाले, टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले और भी दूसरे क्रिएटर्स आते हैं यहाँ, अलग अलग तरीके से वीडियोस बनाते हैं, फोटो फॉर्मेशन करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये तो बांस का एक तरीके से इसको बना दिया गया है। ये देखिए ये है बांस, बांस को लगाया गया है। उसके बाद में जब ये बड़े बड़े हो गए तो इसकी कटाई छटाई करके बड़ा खूबसूरत सा बना दिया गया है। हम अगर चाहें तो इधर से ऐसे घुस के इधर से आ सकते हैं कुछ इस तरीके से, और अगर चाहें तो ये इधर से निकल भी सकते हैं। थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो यहाँ पर बच्चों के झूलने के लिए ये सब पूरा झूला पार्क बना दिया गया है और बड़ा यूनिक सा है। हर टाइप के झूले, बच्चों के फिसलने के लिए, झूलने के लिए, कूदने के लिए, हर तरह की चीज़ें हैं। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए ही है, बस हम तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बना रहे थे। बहुत ही सेफ्टी के साथ झूले को लगाया गया है। ओवरऑल हम कहें तो बहुत ही ट्रेडिशनल और हाईटेक
हर एतबार से झूले यहाँ पर लगाए गए हैं। लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो झूले का सेक्शन है उसमें इतने प्रकार के झूले हैं कि अगर आप बच्चों को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। देखिए एक सिंगल वे में छोटे छोटे बच्चों के लिए ये बड़ी भारी स्प्रिंग के माध्यम से इसको झूला बना दिया गया है, छोटे बच्चे इसमें जा करके बैठ करके झूलते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए बना दिया गया है और ये देखिए आप जिधर भी देखेंगे आपको इतने पेड़ पौधे दिखेंगे और इतना खूबसूरत दिखेगा कि आपका मन करेगा कि आप दिन भर यहीं रहें। पूरी दुनिया से जितने भी उम्दा पौधे हो सकते हैं यहाँ शायद ही कोई ऐसा पौधा होगा जो इस पार्क में नहीं लगाया गया होगा। यहाँ तक कि कुछ फ्रूट्स के पौधे भी लगाए गए हैं। ये देखिए ये आम का पौधा है, ये देखिए ये जामुन का पौधा है, इसके अलावा यहाँ पर अमरूद का पौधा दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर अमरूद का फल भी लगा हुआ है, ये देखिए खूब बहुत सारे फल लगे हुए हैं, कई सारे अमरूद लगे हुए हैं। अभी पके नहीं हैं लेकिन लगे हुए हैं। बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो कि फ्रूट्स के पौधे हैं। ये देखिए ये जॉगर्स पाथ है, यहाँ पर सुबह शाम लोग आते हैं जॉगिंग करते हैं। दरअसल ये LDA के अंतर्गत आता है, अब इसको LDA कंट्रोल करता है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। लाइट जला दी गई है और लाइट जलाने के बाद में कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है। एक तरफ इस तरह के पेड़ हैं, दूसरी तरफ ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है वाकई में। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए। फोटोग्राफी भी लोग करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल प्लेस है। एकांत में आकर के बैठने की जगह होती है, कोई अगर सुकून की तलाश में आए तो यहाँ आकर के एकांत में बैठ करके तन्हाई में चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है और एक तरीके से मन को शांत कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी हैं, अवेलेबल हैं, आइसक्रीम, चिप्स, पानी और ज़रूरत की तमाम तरह की चीज़ें खाने पीने की यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे आउटलेट्स बना दिए गए हैं। मछली देखिए कितनी मछलियां हैं, वो उधर देखिए कितनी मछली है, मछली ही मछली है। देखिए कितनी तरह की मछलियां हैं और लोग इन मछलियों को खिला भी रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग इन मछलियों को देख रहे हैं और खिला रहे हैं।
यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देखे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मछलियों का एक जमावड़ा है और यहीं पर जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति भी लगी हुई है। ये जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति लगी हुई है मेरे पीछे। ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, इन्हीं के नाम से इस पार्क को डिवोट किया गया है। लोग यहाँ आते हैं, इस एरिया में भी आकर के फोटो खिंचाते हैं, थोड़ा सा टहलते घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाया गया है। खूब ऊंची सी मूर्ति और मूर्ति के पास में लोग बैठ के फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। रात का नज़ारा है, अगर आप जनेश्वर मिश्रा पार्क देखेंगे तो रात में कुछ इस तरह दिखता है। फव्वारा चल रहा है। क्या आपने कभी जनेश्वर मिश्र पार्क को विजिट किया है? अगर विजिट किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए। नहीं किया है तो आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं उसके बारे में बताइए। हेलो ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लिए, क्योंकि अगर आप ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप ज़रूर ऐसा कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में।